तो 9th से 10th में जा चुकी है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, या फिर 10th से 11th में जा चुकी है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, कौन सा कोर्स ले या फिर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, या फिर कोचिंग ज्वाइन तो कर लिए बट डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। ये CAT क्या है? तो फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ पीयूष चौहान। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो क्लास 9th से क्लास 10th में जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर हम क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स को देखें तो इनमें एज मच कोई डिफरेंस नहीं है। क्लास 9th और क्लास 10th में सिलेबस इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लास 10th की मैथ्स की बुक को देखें तो इसमें सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स हैं जो नए आए हैं, जो आपको क्लास 9th में नहीं थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे ही कुछ 2-3 चैप्टर नए आए हैं। बाकी सब चैप्टर्स आपको क्लास 9th में पहले से ही थे। तो क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस में एज मच कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और क्लास 10th में सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा चुके हैं, तो क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसा कि अगर हम बुक्स को देखें तो मेरे पास क्लास 10th और क्लास 11th की ओरिजिनल बुक्स अवेलेबल है, तो ओरिजिनल बुक्स में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th में आपको एक ही साइंस की बुक थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब कुछ होता था, बट क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए 4 टेक्स्ट बुक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्लास 11th में सिलेबस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले आपको साइंस के लिए सिर्फ एक ही बुक हुआ करती थी, अब अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 4 टेक्स्ट बुक होती है। PCM लिया है तो इसमें मैथ्स की बुक ऐड हो जाएंगी, और अगर PCB लिया है तो इसमें बायोलॉजी की बुक ऐड हो जाएंगी। तो अभी तो हमने देखा कि इन दोनों भी क्लासेस में सिलेबस का कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। पर इस साल CBSE ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है और आपके जो फाइनल पेपर थे वो अब स्प्लिट होके टर्म 1 और टर्म 2 बन चुके हैं। मीन्स इस साल आपके 2 पेपर होंगे और जो टर्म 1 है उसमें आपको सिर्फ MCQs ही पूछे जाएंगे, और टर्म 2 आपके नॉर्मल पेपर की तरह होगा जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। और बात करें मार्क्स की तो ये पेपर होगा 40+10 और ये पेपर भी होगा 40+10। और ऑफकोर्स पेपर स्प्लिट हो चुके हैं तो सिलेबस भी स्प्लिट हो चुका है। आपको आधा सिलेबस होगा टर्म 1 में और आधा सिलेबस होगा टर्म 2 में। मीन्स आपको पूरी बुक एक बार में ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये 40+10 तो ये 10 आपके इंटरनल बेसिस पे होंगे, मीन्स नोटबुक चेकिंग और प्रोजेक्ट्स पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी। मतलब अगर सिंपली बोला जाए तो जो लोग टीचर्स के फेवरेट होंगे उन्हें ये 10 मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसमें भी CBSE ने कुछ सिलेबस इस साल रिड्यूस कर दिया है, और CBSE ने ये तो नहीं बताया है कि वो सिलेबस CBSE ने कितना परसेंट रिड्यूस किया है, बट इस PDF में आप CBSE का इस साल का सिलेबस देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं CET की। तो जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के नहीं है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हो तो CET एक एग्ज़ाम है जो आपको देनी होगी, और इस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब मेन बात ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि ये CET एग्ज़ाम देना कंपलसरी है या फिर नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्ज़ाम भी देना चाहिए, और स्पेशली अगर आपके 10th में कम परसेंट आए हैं। और अगर आपको ज़्यादा परसेंट आए हैं और आपको उस कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी मिल रहा है जिसमें आप चाहते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप सब, ये एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं है, बट इस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही इस साल सभी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस साल हमने पेपर जो नहीं दिए। तो अब आते हैं मेन बात पर कि हम किस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई कोर्स ले लिया है बट आपको बहुत सारे डाउट्स है और आपके वो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे, या फिर आपको आपके स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आ रहे, या हो सकता है कि आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो ही ना रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या करें, कहाँ से पढ़े और आपके डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे,
तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10th और क्लास 11th के लिए एनिमेटेड वीडियोस, जिसमें हम आपके बुक के सभी चैप्टर्स को आपको एनिमेटेड वीडियो से समझाएंगे। जैसे कि आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ये वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये वीडियोस होंगे क्लास 10th के मैथ, साइंस और SST के लिए। और इस चैनल पर 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। अब आपने हमारे इन एनिमेटेड वीडियोस को देख तो लिया, बट आपके माइंड में फिर भी काफ़ी सारे डाउट्स है और आपको इसमें से कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक्स या फिर आपके जो डाउट्स है वो व्हाट्सएप पर भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हम उस टॉपिक का एक नया एनिमेटेड वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आप उस टॉपिक को एक नए एनिमेटेड वीडियो को देखकर समझ पाए। और यहाँ पर इस चैनल पर हम आपके मैथ्स के प्रॉब्लम को भी एनिमेटेड वीडियो से समझेंगे। और मेन पॉइंट ये है कि ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस सिचुएशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली है बट फिर भी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और हम इस टाइम पर फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं। लगभग 70 करोड़ लोगों तक व्हाट्सएप पहुंचता है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इस वीडियो की और इस चैनल की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है अगर व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, तो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन भी हर स्टूडेंट तक पहुँच सकता है। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को हर उस स्टूडेंट तक पहुँचा दोगे जिसे इसकी ज़रूरत है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको तब तक पढ़ाऊँगा जब तक आपको हर एक टॉपिक समझ में नहीं आ जाता, क्योंकि मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीन्स थैंक यू। और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को लेकर आपका कोई भी सजेशन है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।